कभी कभी लोग प्रश्न किया करते हैं भक्तों के विषय में कि लोग घूमते रहते हैं, बात करते रहते हैं और बीच बीच में हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे करते रहते हैं, इसे क्या लाभ है। और कई बार ऐसा पूछा गया है, भक्त भी पूछते हैं कि हम जप करते हैं लेकिन हमारा मन लगता नहीं है, दूसरी बातों का चिंतन करता है। तो ठीक है, हमारा मन दूसरी बातों का चिंतन करता है लेकिन भगवान का मन हमारा चिंतन करता है। नाम उच्चारण करने का लाभ है। नामोच्चारक विषया विष्णुर्मतिर भवति मदीयो अयम मया सर्वतो रक्षणीय। आप इस जगत में भी देखे हैं, अभी बाहर से कोई आदमी किसी का नाम बोल दे, वो आदमी जरूर एक बार सोचेगा क्या बात है मेरा नाम बोला जा रहा है ना। साधारण व्यक्ति जब उसको बाद में नाम मिला है और खत्म हो जाएगा नाम, ये शरीर भी खत्म हो जाएगा, लेकिन थोड़े काल के लिए नाम मिल गया है तो वो जानता है कि हमारा यही नाम है, तीनों काल में सब समय मेरा यही नाम। उसका वो नाम नहीं है, एक व्यवहार चलाने के लिए नाम रख दिया जाए, लेकिन भगवान के जो नाम है वो नित्य है, जब से भगवान है तब से उनके नाम है। नारायण उनका नाम था, जामिल के बेटा के बाप का नाम नहीं था, वो तो भगवान का नाम ऑलरेडी है, उनके नाम को ही दूसरे के नाम पर रख दिया जाता है। हम लोग में से किसी का नाम अपना ओरिजिनल नहीं है, इसमें से बहुत से नाम ऐसे हैं जो भगवान के नाम पर है ना। भगवान का नाम वासुदेव है, वासुदेव किसी का नाम रख। अब कोई कहे कि ये हमारा नाम है, नहीं ये भगवान का नाम है। तो अजामिल जो नारायण नाम बोला तो उसे भगवान का टेंशन आ गया, तो हमारा नाम ले रहा है। एक भक्त हमसे पूछा था कि भगवान इतना बेवकूफ है, ये समझ में नहीं आया कि ये हमारा नाम ले रहा है कि अपने बेटे का ले रहा है। तो मैंने कहा कि उसके बेटा का नाम वो है ही नहीं, नाम तो भगवान का है, तो अटेंशन क्यों नहीं जाएगा, और भगवान का वो तो नित्य नाम है। फिर वो प्रश्न किया, ठीक है भगवान तो सबके हृदय में है, तो ये जान गए ना कि मेरा नाम नहीं पुकार रहा है, मुझे नहीं पुकार रहा है, अपने बेटा को पुकार रहा है। मैंने उत्तर दिया कि भगवान ये जानते हैं कि अपने बेटा को पुकार रहे हैं, लेकिन बेटा का नाम नारायण रख रहा है, जो नारायण नाम भगवान का है, और भगवान का यह व्रत है कि जो उनके नाम का उच्चारण करता है उसकी रक्षा करते हैं, उन्होंने कहा है, प्रतिज्ञा किया है। इसीलिए भक्तों को चिंता नहीं करनी चाहिए, उच्चारण पर ध्यान रखना चाहिए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। द्रौपदी ने भगवान के नाम का उच्चारण किया तो भगवान आ गए, और गजेंद्र ने भगवान के नाम का उच्चारण किया वो आ गए। आए आधे नाम, एक पद में एक वैष्णव ने लिखा है, गजेंद्र भी नारायण शब्द बोले लेकिन अभी नारा पूरा करते करते तब तक भगवान उनके पास आ गए।